नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सिमरन जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सिमरन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आप आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन मैं BSc एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ HAU हिसार से। कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा का? बहुत बहुत अच्छा लगता है इन्वायरमेंट यहाँ का, मतलब इतना अच्छा एटमोसफेयर। एक यहाँ पर आकर जो सुकून मिलता है उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। जो मतलब एक स्पिरिचुअल एक टाइप की फीलिंग होती है जो बहुत बहुत अच्छी होती है। बीइंग गर्ल सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? बीइंग अ गर्ल यहाँ पर कभी कुछ अनसेफ बिल्कुल कभी फील नहीं हुआ। मैं शुरू से आ रही हूँ, मतलब बचपन से पेरेंट्स भी आ रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी बात तो है ही नहीं कोई अनसेफ फील हो या कुछ कैसा भी, बिल्कुल एकदम सेफ है। यहाँ पर आकर अगर सेवा करके जाते थे तो भी एकदम बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट है। तो मतलब ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि यहाँ पर किस टाइप के अनसेफ एनवायरनमेंट है। लेकिन मीडिया में तो बहुत उल्टा दिखाया जा रहा था सिमरन जी, आपने भी देखा होगा यहाँ पर आने वाली लड़कियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, क्या कहना चाहोगे खबरों को? जी, जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें एक बार पहले यहाँ पर आके देखना चाहिए। मीडिया हम अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया आजकल का कैसा है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें पहले यहाँ पर आके देखना चाहिए कि यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, एकदम सेफ एनवायरनमेंट है। और लड़कियों की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ शाही बेटियां बसेरा भी बना हुआ है, कितनी सेफ है गर्ल्स, इतनी अच्छी एजुकेशन ले रही हैं और कितना आगे एशियन गेम्स में और वर्ल्ड लेवल पर कितने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बना रही हैं। तो बिल्कुल एकदम सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ का, और ये मीडिया का एकदम अच्छे से हम जानते ही हैं कि मीडिया का आजकल क्या सिस्टम चल रहा है। एलिगेशंस जो संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं जी, वो बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम अच्छे से छोटे होते से हम देखते आ रहे हैं पिताजी के लिए, तो मतलब ये बात बोलने से पहले भी उन लोगों को पता नहीं बस क्या ही उन लोगों पे बीतेगा जो ये ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं। बस आने वाला टाइम ही बताएगा ये। तो अब हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि पिताजी बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर हैं और पिताजी जल्दी आएंगे। मैम, आप पब्लिक को क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा, क्योंकि उनके दिमाग में जो छवि है संत जी को लेकर या डेरा आश्रम को लेकर, वो जो मीडिया में दिखाया गया था उसको लेकर है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे पब्लिक को? मैं यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग तो वही मानते हैं कि जो मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी का ही हम देख लें मीडिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम जानते हैं कि मीडिया गलत है। तो जो लोग मीडिया को एक बेस बनाकर सब कुछ बोल रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि एक बार यहाँ पर आकर देख लीजिए क्या एनवायरमेंट है, क्या माहौल है, तो फिर तुम्हारा दिल खुद ही बोलेगा कि बिल्कुल जो मीडिया ने रिप्रेजेंट किया वो बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था, पिताजी सच में बेकसूर हैं, जल्दी आए। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है गुरु जी का? सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा रोल, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोल है वो पिताजी का ही है। मतलब कुछ भी हो जाए, गरीबों की कोई हेल्प करनी हो, उन्हें घर बना के देने हो, किसी टाइप की भी उनके लिए गरीबों के लिए कोई एजुकेशन देनी हो या फिर किसी और लेवल के लिए किसी को किसी टाइप की भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो डेरा सच्चा सौदा ही करता है। इवन आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन किया जाता है, ब्लड जो कि कभी